इंडिया के खबरों की इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। प्रधान ने जिला अधिकारी के आदेश देने पर वृक्षारोपण कराया। जी हां, यूपी के हरदोई जिले में थाना लोनार ग्राम पंचायत रामपुर हमजा शाहबाद के प्रधान ने जिला अधिकारी के आदेश से वृक्षारोपण कराया। हमजापुर तिराहा से रामपुर तक सड़क किनारे 100 वृक्ष लगाए गए। 2020-21 मनरेगा के तहत प्रधान ने ग्राम पंचायत में सभी को बताया कि पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, जल पाओ। देखिए हरदोई से शिवम सिंह की यह रिपोर्ट। हमजापुर में लगे आम के पेड़ मनरेगा 2020-21 ग्राम रामपुर हमजा में। हाँ। का नाम है दादा आपका? रामपाल। अच्छा, कहाँ रहते हैं? रामपाल। ये वृक्षारोपण किया गया इधर? हाँ। इसमें काहे के पेड़ लगे हैं? अच्छा अच्छा ठीक है। देखें फास्ट न्यूज इंडिया से शिवम सिंह की रिपोर्ट, एजा हरदोई से। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में शाहबाद हरदोई वृक्षारोपण किया गया, जिसमें वृक्षारोपण हुआ रामपुर हमजा में। देखिए ये जो है वृक्षारोपण किया गया है। जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ यादव का किया स्वागत। जी हां, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में शुक्रवार को नगर करौदा में समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ यादव के आगमन पर नगर अध्यक्ष इश्तियाक अली एवं उनकी टीम ने नगर सचिव मजहर खान के घर पर जोरदार स्वागत किया। चर्चा में सत्ता पर जमकर हमला बोला गया और कहा कि आगामी चुनाव में पुनः अखिलेश यादव की सरकार बनने का काम करेंगे। इस मौके पर करौदा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हाजी अजहर बेग, नगर अध्यक्ष इश्तियाक अली, नगर महासचिव आफताब अहमद, उपाध्यक्ष अभिषेक पुरवार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखे करौदा से रेहान रजा की यह रिपोर्ट। आपको क्या कहना है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर अभी 21 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में तहसील स्तर पर जनता की समस्याओं को लेकर, किसान की समस्याओं को लेकर, नौजवान की समस्याओं को लेकर, महिला उत्पीड़न को लेकर, इन सभी समस्याओं को लेकर तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन व ज्ञापन का प्रोग्राम होना है। उसी के तहत आज युवजन सभा के जिला अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ यादव हमारी तहसील में गाँव-गाँव शहर-शहर भ्रमण कर नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि सब लोग एकजुट होकर 21 तारीख को तहसील वाले प्रोग्राम को सफल बनाएं। साथ ही इस भाजपा की जो जन विरोधी सरकार है, जो नौजवान विरोधी सरकार है, जो नौजवानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है और महिलाओं का लगातार उत्पीड़न हो रहा है, लगातार व्यापारियों के साथ बड़ी बड़ी लूट हो रही है, 30 सेकेंड में 35 लाख की लूट हो जाती है और मर्डर हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर लेकर हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जनता की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। इसी सब प्रोग्रामों को लेकर हम लोग आज कदौरा क्षेत्र में आए हुए हैं और नौजवानों के बीच में अपनी बात रख रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जो हमारे नए लड़के हैं, युवा लड़के हैं, उनको शक्ति देना, शक्ति प्रदान करना। आज जहाँ जाओ, जिस जगह पर जाओ, जिस चौराहे पर जाओ, वहाँ पर नौजवान बच्चे, एक नहीं हजारों बच्चे अखिलेश यादव जिंदा बोल रहे हैं और इंशाल्लाह 2022 में हमारी सरकार आने वाली है, उसके असरात दिख रहे हैं और बहुत जल्द हमारी सरकार बनेगी। और जो जो थोपे जा रहे हैं 5 साल के लिए, एक बार कानून बनाए जा रहे हैं, इनको सबको खाल फेंक दिया जाएगा। बिल्कुल नगर अध्यक्ष जी, आपको इस कार्यक्रम में क्या कहना है? मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना है कि जो भाजपा सरकार है, इसने नौजवानों को, किसानों को जो आज इस हालत पर पहुँचा दिया है। आज किसान जो है आत्महत्या कर रहा है, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है। अभी योगी जी का एक भाषण में उन्होंने कहा कि हम संविदा में नौकरी देंगे, पहले बस 5 साल संविदा में दे, उसके बाद उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है हमारी सरकार आते ही हम इस अध्यादेश को बदल देंगे और नौजवानों को नौकरी देंगे। हमारा सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना है कि वो बूथ बूथ जाके हमारी समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाए और इस भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकें।
ये कार्यक्रम किस उद्देश्य मनाया गया, कहाँ कहाँ आप घूमे? आज हम लोग सबसे पहले कालपी नगर में गए, कई नौजवान साथियों के साथ, कई नौजवान साथियों के घर पे, समाजवादी साथियों के घर। आज हम लोग कदौरा नगर में आए हैं नगर अध्यक्ष जी के यहाँ। हम लोगों का उद्देश्य है सबसे पहले 21 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन व ज्ञापन देना है। इसी संदर्भ में लेके हम लोग आए हैं। पहले हम लोग कालपी में गए, सभी नौजवानों से अपील की कि सब लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर पूरी पार्टी के साथ मिलके तब सब लोग जाएंगे ज्ञापन देने। इसी संदर्भ में हम लोग कदौरा में आए हैं। यहाँ भी हम लोगों की यही चर्चा है, सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि सब लोग पार्टी के लोग एकजुट होकर हम जाएंगे कालपी तहसील, कालपी यहाँ से भी सभी लोग कालपी तहसील जाएंगे। और चाचा पार्टी की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ लोग नाराज भी चल रहे हैं इसमें? नहीं नहीं, कोई नाराज नहीं चल रहा है। और नहीं चाचा, हमारे सुनने में आई है जो नगर अध्यक्ष आजम अजमत खान जो समाजवादी पार्टी के रहे हैं, कुछ लोग के पद नहीं दिए गए, उसमें पार्टी की नाराजगी चल रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत देखो हर जगह हो सकता है, लेकिन पार्टी के लेवल पे सब एक हैं। नाराजगी हमारी भी हो सकती है, जैसे हम लोग अगर कहीं कुछ ऊँचे नीचे हो जाते हैं तो हो सकता है मन में कोई हो, लेकिन पार्टी में पूरी एकजुटता है, सभी लोग साथ में हैं और पार्टी एकजुट होकर ही 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को जिताने का मुख्यमंत्री बनाए काम करेंगे। व्यवस्था नहीं है, सरकार सिर्फ जुमले बांट रही है, सिर्फ धर्म पे राजनीति कर रही है, कट्टरता पे राजनीति कर रही है, जातिवाद पे राजनीति कर रही है। हमको समाजवादी साथियों को एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमको किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो उसको जबरदस्ती उस पार्टी पे नहीं थोप देना, हमको उसको अपने में शामिल करना है भाई, कि तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारे भी बच्चे कल भीख मांगेंगे। आज मेरी बर्बादी पे अगर तुम खुश होते हो तो यकीन मानो कल तुम भी इसी स्थिति से गुजरोगे, क्योंकि जब बेरोजगार होगा तो पूरा भारत होगा, सिर्फ समाजवादी नहीं होगे या समाजवादी विचारधारा के लोग नहीं होंगे। जिला अस्पताल में किया गया टेली न्यूट्रिशन सेवा। जी हां, यूपी के पीलीभीत जिले के सदर थाना कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र NRC में आज टेली न्यूट्रिशन सेवा का शुभारंभ किया गया। इस सेवा में जो कमजोर बच्चे हैं उन बच्चों के पोषण संबंधित समस्याओं को टेलीफोन द्वारा समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर पीलीभीत के जिलाधिकारी पुलकित खरे, CMO सीमा अग्रवाल, CMS रतनपाल सिंह सुमन, डॉक्टर नीता सक्सेना, नर्स आराधना देवल, नेहा, सीमा, रचना, रूथ एवं बीनू समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए पीलीभीत से मून प्रकाश देवल की यह रिपोर्ट। कोरोना की इस महामारी के समय में 5 साल से छोटे बच्चों के पोषण की एक बड़ी समस्या होती है, खासकर जो लोग दूर दराज गाँव में रह रहे हैं वो पोषण पुनर्वास केंद्र नहीं आ पा रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना इतना फैला हुआ है। ऐसे में जनपद पीलीभीत में हम लोगों ने एक नई व्यवस्था शुरू करी है, टेली न्यूट्रिशन, यानी फ़ोन के ज़रिए आप पोषण संबंधी परामर्श पा सकते हैं। अगर आपके घर में 5 साल से छोटा बच्चा है तो आप इस पोषण पुनर्वास केंद्र में है एक लैंडलाइन नंबर जो हम लोग मीडिया के माध्यम से प्रसारित कर रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं। पोषण संबंधी बच्चे की कोई भी समस्या हो वो आप बताएंगे, यहाँ पे हमारे काउंसलर्स जो पोषण वॉरियर्स के नाम से यहाँ बैठेंगे 10 बजे से 2 बजे के बीच में, वो आपको सलाह देंगे, न केवल सलाह देंगे बल्कि एक हफ्ते तक ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि आपके बच्चे के पोषण में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जनपद पीलीभीत में पहली बार पूरे प्रदेश में एक नई पहल के रूप में इसको शुरू करा जा रहा है और यहाँ पे जो पूरी टीम है DPO CMO हो, जितने हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन सब के एक सामंजस्य से इसको हम आगे बढ़ाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इससे जनता को हो और ख़ासकर दूर दराज में गाँव में जो बच्चे हैं उनको पोषण के जानकारी भी मिलेगी और उनका पोषण इससे बेहतर हो सकेगा। भारत में सफाई को लेकर नगर पालिका को 133वें रैंक। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर में नगर पालिका चेयरमैन द्वारा नगरवासियों की तारीफ करते हुए कहा कि इन्हीं के आशीर्वाद और मेहनत से गदरपुर का भारत में 133वां स्थान सफाई अभियान के अंतर्गत रहा है और उत्तराखंड में 7वें पायदान पर पहुँचा है। नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते नगरवासियों का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए चेयरमैन ने कहा कि यदि इसी तरह से नगरवासियों का साथ रहा तो अगली बार हमें टॉप 3 में आने का मौका मिल सकता है।
देश के प्रधानमंत्री जी के जितने भी सफाई अभियान से संबंधित योजनाएं हैं हमारे द्वारा लागू किए जा रही है। देखिए कदरपुर से शाहनूर अली की यह रिपोर्ट। इसका श्रेय सबसे ज्यादा तो मैं यहाँ के लोगों को देना चाहता हूँ, जो यहाँ पब्लिक है कदरपुर में। हमारा पूरे देश में भारत वर्ष के अंदर 133वां नंबर आया है, जहाँ की हज़ारों के हिसाब से नगर पालिकाएँ हैं, और उत्तराखंड के अंदर हम लोग 7वें पायदान पे पहुँचे हैं। कोशिश करेंगे अगली बार हम लोग टॉप 3 में हम लोग आएँ। और जो जिस तरीके से यहाँ पर मेहनत हुई है, लगभग 1.5 साल पौने 2 साल हो गए मेरे कार्यकाल को, और 2 साल से लगातार हम लोग जिस तरीके से सफाई पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी सफाई वाली योजनाएं हैं हम लोग उसको लागू कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा श्रेय तो मैं यहाँ के लोगों को देना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने सफाई शुरू की तो उसका स्वागत किया उन लोगों ने। और जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर नाइट शिफ्टिंग और नाइट स्वीपिंग, डे स्वीपिंग और डोर टू डोर वगैरह हम लोगों ने यहाँ पर काम किया, उसका रिज़ल्ट इतनी जल्दी और इतना बढ़िया निकल कर आया कि हम लोग पहले कभी रैंकिंग में नहीं थे और उसके बाद अब हम लोग रैंकिंग में आ चुके हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।